Yo, what's up guys? Welcome back any other gameplay videos. आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं एक्सट्रीम बैलेंस। तो चलिए एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही दो गेमप्ले वीडियोस लगा कर चेक कर लिया कि ये गेम है क्या और इसमें है क्या। तो भाई साहब, इसमें एक बॉल दी जाती है जिसका हमें बैलेंस करना है। काफ़ी मुश्किल गेम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, अट्रैक्टिव गेम है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में यार जरूर बताया करो आप। यार 200-300 बंदा वीडियो देख लेता है बट नहीं तो कमेंट करते हो यार आप लोग, ना लाइक करते हो वीडियो को। तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, लाइक करने से हौसला अफजाई हो जाती है। तो वीडियो को कमेंट करने से हम अपने आप को और अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई वीडियो बुरी लगी है तो हमें बताएं कि क्यों बुरी लगी है, हम अगली दफ़ा उसमें कुछ कमी पेशी जो हो वो ख़त्म कर दें। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार उसकी भी अच्छे की तारीफ कर दिया करो ताकि हौसला अफजाई हो जाए और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आए और अदर गेम पे आते रहें। तो चलिए किसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दी हुई थी, 3 लेवल ही हमारा स्टार्ट है क्योंकि पहले ही मैंने जो 2 राउंड्स थे वो मैंने खेल लिए। तो यहाँ पे जो काफ़ी बैलेंसर गेम है यार, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। जब मैंने खेली तो मुझे, मतलब पहले तो मेरे जो हाथ थे वो काफ़ी काम रहे थे क्योंकि यार काफ़ी इंटरेस्टिंग और कहने के एक ना मुश्किल गेम है जिसे खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि यहाँ पे अब आ जाते हैं तो अब बड़ी ही मुश्किल से मैंने ये 3 राउंड्स खेले हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये 3रा राउंड है और हम कितने राउंड खेल सकते हैं, कितनी देर में खेल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि 1 राउंड ही बड़ी ही मुश्किल से कंप्लीट हो पाएगा। तो भाई साहब ये गेम खेलते खेलते मुझे इतनी टेंशन होने लगी थी कि मैं मर ही ना जाऊं भाई कहीं। तो हमारे सामने ये ब्लेड तो आ चुका है बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि करूँ क्या। यहीं पे मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि जब मैं आगे गुजरने लगा तो तभी ब्लेड ने भाई साहब मुझे पकड़ लिया। अब मैंने 2nd टाइम कोशिश की है कि मैं इसे चीफ कर लूँ, इसे पार कर लूँ या गुजर जाऊँ। तो देखते हैं किस टाइम मैं गुजर सकता हूँ या फिर नहीं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अगर गेमिंग देखने के लिए आप वीडियो देखते हैं, गेमिंग्स की वीडियोस देखते हैं। तो यार मैंने 2nd टाइम गुजरने की कोशिश की तभी मेरे उसने बॉल को ख़राब कर दिया। बट इस टाइम मुझे लगता है कि मैं पूरी ध्यान से गुजर जाऊंगा। तो भाई साहब मैं गुजर तो चुका हूं बट ऊपर जाके पता चलेगा कि ऊपर आता क्या है। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट ब्रिज आ चुका है और देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी मुश्किल गेम होने वाली है। तो भाई साहब ये जो गेम है मैं आज फर्स्ट टाइम खेलने लगा हूँ, इसका जो 3rd राउंड ये हमने लगाया हुआ है, ये काफ़ी जो इसमें राउंड्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बिग राउंड्स हैं। अदर गेमिंग में अगर देखा जाए तो हम प्ले स्टोर में कोई आम गेमिंग इंस्टॉल करते हैं जो इसके ग्राफिक्स हैं, ये कह सकते हैं कि एक बाल पार्कोर गेम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, बैलेंसर गेम है। इसका नेम जो है आप डाउनलोड करना चाहें प्ले स्टोर से तो इसका नाम एक्सट्रीम बैलेंसर है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है भाई साहब। इसके जो राउंड्स हैं, मेन जो चीज़ है इसके जो राउंड्स हैं वो काफ़ी बिग राउंड्स हैं अदर गेमिंग के मुकाबले में। अगर देखा जाए तो भाई साहब जो अदर गेमिंग्स होती हैं उनमें राउंड्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, या फिर वो कार पार्कर हो या फिर वो किसी भी किस्म की कार हो या गेम हो, इसमें जो राउंड्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो ट्विस्ट है गेम में वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है और जो इसके बैलेंसर है उसकी तो भाई साहब आप देख ही सकते हैं कि मैं फिर से गिर चुका हूँ। गिरते पड़ते मैंने जो इसमें काफ़ी ज़्यादा राउंड जो 2nd-3rd राउंड पे आ चुका हूँ इसी वजह से आया हूँ। बट थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है इस गेम में कि आखिरकार इस गेम में है क्या। तो सारे खेल जो है बैलेंस किया है कि आप बैलेंस कैसे करते हैं। इस गेम को आप खेल के अदर गेमिंग के लिए जो बैलेंस कंट्रोल है वो अपने हाथ को रिहर्सल में ला सकते हैं ताकि आपकी जो अदर गेमिंग्स हैं उसके ऊपर आपका हाथ सही तरीके से चल सके। बेशक अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर नॉर्मल गेमर हैं तो तब भी आपका जो हैंड है वो बैलेंस हो जाएगा। तो भाई साहब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे हमारा जो 5th राउंड ख़त्म हो चुका है, ये 3rd राउंड है और ये ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम 4th राउंड लगाएंगे तो देखते हैं कि क्या होता है उस राउंड में। बट जल्दी से वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यार मुझे बार बार कहना पड़ता है कसम से, इतने बंदे वीडियो देखते हो यार, सारे भी अगर लाइक करें ना तो कसम से ये अच्छी खासी ट्रेंडिंग में आ सकती है वीडियो। आप यार लाइक ही नहीं करते, प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। और अदर गेमिंग देखते रहते हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। यहाँ पर हमारा जो 4th लेवल स्टार्ट हो चुका है और 4th लेवल की शुरुआत में यार इतनी मुश्किल उन्होंने जो बैलेंस क्रिएट करने के लिए जगह बना दी है। ओके तो सर बड़ी ही मुश्किल से मैं बचा हूँ उस रिंग से, ब्लेड रिंग से। अगर मैं मर जाता तो मुझे दोबारा लगाना पड़ता और मेरा एक दिल टूट जाता जिसकी वजह से मेरा दिल चूरा चूर हो जाता। ओ भाई कहाँ से मैं वापस गया हूँ टर्न लेके। तकरीबन तकरीबन मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस खला में आ चुका था, हवा में खड़ा हो गया था बट हल्का सा किनारा था उसके साथ टच में जिसकी वजह से मैं वहाँ से बच गया। बट मैं आगे आगे जब टर्न लेने लगा तो तभी मैं इतनी स्पीड में था कि वो
सीधा जाके वाटर में गिर गया। ये सारी गेम है जो समुंदर के ऊपर डिजाइन की गई है, ये आप देख सकते हैं कि काफी इंटरेस्टिंग गेम है और जो इसके राउंड्स है वो काफी यार बिग हैं और इंटरेस्टिंग और ट्विस्टिंग राउंड्स हैं। ये देख लें यहाँ पे आप, फिर एक ब्लेड आ चुका है। ये ब्लेड की यार जो स्पीड है, जितनी टाइम से आएगा ब्लेड उतनी स्पीड इसकी अपग्रेडेड होगी। और भाई साहब मैं फिर से मर चुका हूँ, बट इस टाइम देखते हैं कि मैं अगली स्टेज पे। ओके सर, तो मैं आगे वाले जो रैंप पे आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने जब गिरने लगा तो मैंने अगले वाले रैंप को टच कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा जो एक दिल टूटने के बाद मुझे उन्होंने अगले वाले रैंप पे छोड़ दिया। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, ये फैन से मैं टकरा ही ना जाऊँ, मुझे जंप करना है इधर साइड पे, तो देखते हैं कि क्या बने। ओके सर, तो जैसा मैंने सोचा था, तो भाई साहब जल्दी जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो। मुझे लगता है कि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तभी मैं बार बार मरी जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी शॉर्ट सी जगह पे खड़ा हूँ, बट देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे टर्न लेना है, काफ़ी मुश्किल टर्न आ गया है। नॉट प्रॉब्लम, देखते हैं कि राम 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 से। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टर्न था जो मैंने ले लिया है, बट ऐसा ऐसा अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मेरी दोबारा से गेम स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। और नॉर्मल तरीके से यहाँ पे मुझे हल्का सा जंप करना है। ओके सर, जंप तो हो गया है नॉर्मल। रुक जा भाई, रुक जा, इतनी जल्दी नहीं कर, नहीं तो जल्दी से मर जाएंगे और हमारे दिल काफ़ी ज़्यादा टूट जाएंगे। पहले ही दिल टूट गए हैं हमारे दो तीन, तो देखते हैं कि भाई साहब क्या होता है। यहाँ पर हम अगले रैंप पे आ गए हैं, उस लिफ्ट ने हमें अगले रैंप पर आके खड़ा कर दिया। तो फाइनली भाई साहब हमारी फोर्थ लेवल गेम भी ख़त्म हो चुकी है, और देखते हैं कि हम नेक्स्ट राउंड खेलें या फिर ना खेलें। पहले तो मैं यार सोच रहा हूँ कि यार ना खेलें, बट आप लोग लाइक भी नहीं करते, इतनी लंबी वीडियो देखते भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार रहने देते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना यार एक दफ़ा लगा ही देते हैं। इस गेम में कोई न्यू लेवल, न्यू गेम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंटरेस्टिंग गेम है, फनी कमेंट्री के साथ, तो शायद आप लोग काफ़ी ज़्यादा देख भी लें और लाइक भी कर दें, उससे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तो हौसला अफजाई हो जाती है यार। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरुआती डेज हैं, इससे मैं कोई पैसे वैसे नहीं कमा रहा हूँ, सीधी बात मैं बता दूँ। ये मैं सिर्फ शौकिया तौर पर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गेमिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है, इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग नई गेमिंग मैं खेलता रहता हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के लिए भी खेलूँ, और थोड़ी बहुत इससे पब्लिसिटी भी हो जाएगी गेम्स की, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। तो ओके भाई साहब, फिर से मैं मर चुका हूँ, तो दोबारा से मारा एक दिल और टूट चुका है लास्ट राउंड में। तो मैं वही सब कह रहा था, बता रहा था कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और यहाँ पे जो गेमिंग को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। तो प्लीज़ यार, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस गेमिंग को सपोर्ट करो, कमेंट्री, फ़नी कमेंट्री, अदर गेमिंग्स को, चैनल को सपोर्ट करो, ताकि पाकिस्तान में भी गेमिंग के बारे में कुछ एंटरटेनमेंट जो है वो आ सके, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान मुल्क में काफ़ी कम लोग हैं, तकरीबन एक या दो या तीन लोग हैं मिनिमम, और चौथा पाँचवा आप मुझे बना सकते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, इतनी इंटरेस्टिंग और फ़नी कमेंट्री के साथ मैं अदर गेमिंग्स लाता रहता हूँ। तो इस राउंड में यार ये फिर ब्लेड आ चुका है, ये इसकी जो स्पीड है वो फिर उससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड है, तो मुझे लगता है यहाँ मैं मर जाऊँगा, बट देखते हैं कि क्या होता है। मैं बच गया भाई, और आगे ये फोरी टनल आ गया है। टनल भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है भाई, लकड़ी का टनल है तो बेहतरीन है। और आगे एक और लिफ्ट आ चुकी है, बट यार लिफ्ट पानी में डूब के ऊपर आ जा तो रही है, मुझे नज़र नहीं आ रही कि इसका जो लिफ्ट है कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं, पता नहीं यार कैसी गेम बना रही है, बट जैसी भी बनाई है काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। ओके सर, तो मैं फिर से पानी में गिर चुका हूँ, तो यार पता नहीं क्या बनेगा हमारा। तो हमारे पास फिर से दो दिल रह गए हैं, ऑलमोस्ट के हमारे पास दो दिल ही रह गए हैं, और यहाँ पे दो ब्लेड और आ चुके हैं। और कैमरे को थोड़ा व्यू ऊपर की तरफ से देखते हैं, और फिर ही हम यहाँ से गुजर सकेंगे, और देखते हैं कि भाई साहब यहाँ से गुजर सकते हैं नहीं। अगर हम गुजर जाएँ तो यार वीडियो को फोरी लाइक कर देना है, यही बात देखते हुए, क्योंकि न्यू गेम प्ले है और इसको खेलने में, बैलेंस करने में काफ़ी मुसीबत आती है। ओके, तो भाई साहब ये कंप्लीट तो हो चुका है, मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे लगता था कि मैं फर्स्ट में गुजर जाऊँगा और सेकेंड में मर जाऊँगा, बट मैंने दोनों ही कम्प्लीट कर लिए। अब यहाँ पर जो ये भाला कह सकते हैं, इसको भाला है, जो काफ़ी स्पीड से अप एंड डाउन कर रहा है, जिसके ऊपर से मैं अगर गुजर गया तो ये मुझे मार भी सकता था, बट मैं ऐसा ऐसा करके गुजर चुका हूँ। आखिरी स्टंट राउंड में यहाँ पे आया है भाई साहब, यहाँ पे जो थ्री बॉल्स हैं इनको गिराना है और इनकी जगह आपने खुद लेनी है, और यहाँ पे मैंने दो गिरा दिए हैं, दूसरी जगह पे आने लगा हूँ, बड़े ही प्यार से आ चुका हूँ। ओके, तो सर यहाँ पे कुछ और ही सीन होने लगा, मुझे लगा था कि फिर फैसे ही आगे जाके कूदना है, बट जब मैंने देखा कि जहाँ पे मैंने कूदना है वो तो चीज़ पीछे ही रह गई, तो तभी भाई साहब मैंने कैमरे का व्यू चेंज किया और फौरी जाके मैंने देखा। तो इसी के साथ जो सर मेरा जो ये भी वाला राउंड कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अदर गेमिंग को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।